कोरोना काल के दो साल बाद एक बार फिर महाशिवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाजापुर जिले के बोलाई स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर अल सुबह से भक्तों का तांता देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर विशेष पूजन अर्चन किया। भक्त जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आज भोले में दर्शन करने के लिए क्या करते हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? आपने क्या मांगा जी बाबा से और शंकर जी से? बस यही कि सबको स्वस्थ रहना। क्या नाम आपका? थैंक यू। और आज बोले कि सिद्धूर हनुमान मंदिर पर यहाँ भी शंकर जी की एक प्रतिमा है जो काफ़ी प्राचीन है। हम हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पूरी सिद्ध हनुमान मंदिर बोले यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की सब मनोकामनाएं पूरी होती है और कोरोना गाइडलाइन के बाद में यहाँ पर बहुत सारी जनता दर्शन करने के लिए आया। भक्तजन का बहुत आभार व्यक्त हुआ और बहुत बिल्कुल सब शांतिपूर्वक ढंग से दर्शन हो रहे हैं सभी के और यहाँ की सभी की मनोकामनाएं। शंकर जी का मंदिर भी अभी आप दर्शन? हाँ, यहाँ पर शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर क्या दोनों है, आज मंगलवार भी और शिवरात्रि भी है तो दोनों का पूजन पाठ वगैरह सब। ये हमारे साथ में गुलाना से जुड़े थे और इन्होंने बताया कि आज हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। गुलाना से पंकज राठौर त्रिको को बाबूलाल जी है, तराना उज्जैन से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे सब सतर्क आपको? बाबा के दर्शन भी हो, पंकज जी के भी बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ और सभी मनोकामना पूर्ण और मैं तराना से आया दिशा करने के लिए आता हूँ। सामने कब से आ रहे सर आप? मेरी लगभग 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद आज दर्शन करने का अच्छा सौभाग्य भी मिला। बहुत अच्छा मौका मिला आज, कोरोना सारा कोरोना निकल गया, लोग आ जा रहा हूँ मैं दर्शन करने के लिए। सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ से आया? कोरोना से आया। बहुत सारी जनता आती है, सभी की मनोकामना पूरी होती है और बाबा के दर्शन करने में। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए गुलाना से पंकज राठौर की रिपोर्ट।